चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड कंट्रोल ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शंस मेकिंग अप द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होता है? सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट अकर विद इन द सेल्स कॉल्ड द मेटाबॉलिक पाथवेज। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, एंजाइम दैट वर्क विद इन द सेल्स कॉल्ड इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स, एंजाइम दैट वर्क आउटसाइड द सेल्स कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स, फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन वर्क इन द स्टमक कैविटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, ये कैरेक्टर्स हैं एंजाइम्स के। एंजाइम्स आर प्रोटीन, यानी वो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। एंजाइम स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन अप टू मिलियन टाइम्स। नंबर 3, वेरी स्मॉल अमाउंट कैन कैटलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट्स। एंजाइम्स आर वेरी मच स्पेसिफिक इन नेचर। सम एंजाइम्स नीड एडिशनल मॉलिक्यूल्स टू वर्क कॉल्ड कोफैक्टर्स। दोनों खड़े हो अदीप, तुम दोनों खड़े हो उधर साइड पे जाओ। हाँ रेहान, तुम दोनों अदीप हरी अब। फेस द वॉल, दीवार की तरफ देखें। कोफैक्टर्स के टाइप्स कौन से हैं? टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स, दीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। एक्टिवेटर्स, कोफैक्टर्स या एक्टिवेटर्स होते हैं। दीज आर रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट एंड आर आयन सच ए जिंक कॉपर एट्सेट्रा। इसकी एग्जाम्पल है लाइक सेलाइवरी एमाइलेज जो है वो अपनी एक्टिविटी करती है जब क्लोराइड प्रेजेंट होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम के साथ और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लड में जो हीम ग्रुप है। कोएंजाइम्स, कोएंजाइम डिटेचेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड आर ऑर्गेनिक इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए, निकोटिनामाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडी एट्सेट्रा। इस तरफ देखें,